हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पिछले लेक्चर में हमने आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है? टोटल टॉपिक, टोटल ट्रिक उसकी डिस्कस कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करते हैं, ओके? इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो कोई फंक्शन दिया हो तुम्हारा, ठीक है, यदि उसका डेरिवेटिव करें हम एफ डैश एक्स, यदि पॉजिटिव आता है, ग्रेटर हो, तो उसको कहेंगे हम क्या? इंक्रीजिंग। और यदि लेस आता है, एफ डैश एक्स इज लेस जीरो, तो उसको क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस जीरो। दूसरी बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो, जीरो भी हो सकता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स इज लेस इक्वल जीरो, ठीक है? ये कंडीशन इसकी रहती है। और दूसरी बात, नोट में एक बात और रहती है, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मल्टीप्लीकेशन इंक्रीजिंग रहता है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मल्टीप्लीकेशन डिक्रीजिंग रहता है और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? दो ही चीजें पूछता है इसमें कि कोई फंक्शन हमारा किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा, या किस पॉइंट पर ये इंक्रीजिंग है और किस पॉइंट पर डिक्रीजिंग है, ठीक है? वो पॉइंट पूछ लेता है। तो ऐसे करके इसके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये क्वेश्चन, इससे हर ईयर में, हर कंपटीशन में आपका, जिसमें जिस सिलेबस है तुम्हारा पीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एमबीएस, इनमें सब में, एनडीए, इनमें सब में पूछा जाता है, ठीक है? तो देखो, आपको पहली बात तो ये है कि बेबी कर्व जो हमने बताया उसको अच्छे से आना चाहिए, तभी इसको शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हैं, ओके? तीन से चार क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके, ओके? हाँ, तो देखो, इंक्रीजिंग को कभी कभी इस सिंबल से नोट करते हैं हम, और डिग्री इसका मतलब इंक्रीजिंग है और इसका मतलब डिक्रीजिंग है, कम लिखना पड़ता है इससे, कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, तो देखो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस, ये दिया है, पॉलीनोमियल है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस इंटरवल पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर यह फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये बात हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? तो देखो, एफ डैश एक्स लिखते हैं इसका, एफ डैश एक्स थ्री आगे आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये मिला हमें, ठीक है? इसमें से 6 कॉमन लग रहा है, 6 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है? एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक्स एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो यहां से बन जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है? अब ये कह रहा है फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये किस किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, किस किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। तो देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट दो है हमारे, एक वन है और एक टू है, तो वन यहां कहीं होगा, टू यहां कहीं होगा, ठीक है? इधर इंफिनिटी होता है, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, तो इस पर पावर कितनी है? वन है, तो यहां प्लस से शुरू होता है, प्लस का अपोजिट माइनस, इस पर पावर कितनी है? वन, तो इसका अपोजिट माइनस का अपोजिट प्लस, जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके तुम्हारा बनेगा, ठीक है? हमने बेबी कर्व में डिस्कस कर दिया है। अब फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर जीरो होगा, ठीक है?
तो ग्रेटर का मतलब होता है ऊपर वाला रीजन, लाइन से ऊपर। तो सैडेड रीजन हमारा यदि ये इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पर होगा, तो इसमें एक्स बिलोंग करेगा किसमें, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन, और इसके साथ में क्या आएगा, टू से इन्फिनिटी। दिस इज आंसर, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए ये आंसर बनेगा माइनस वन से, माइनस इन्फिनिटी से वन और टू से इन्फिनिटी, ओके। और डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस जीरो होता है, और ये लेस का मतलब लाइन से नीचे वाला रीजन रहता है तुम्हारा, तो लाइन से नीचे रीजन हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल क्या होगा, वन से टू। ये डिक्रीजिंग की बात पूछ ले तो किस इंटरवल पर ये डिक्रीज करेगा, इसमें ये वैल्यू कोई सी भर के देख लें तो ये लेस ही आएगा, ठीक है। ये आंसर इसके हो गए आपके, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इस स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बेबी करवाना चाहिए अच्छे से, तभी आप इसको लगा पाएंगे, ओके। देखो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सेकंड का आंसर लिखते हैं। इसमें भी कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा। तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ एक्स हमारा है ये, और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ओके। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट सेकंड से इसका डेरिवेटिव करना, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये वैसे का वैसा ही प्लस, अब इसका डेरिवेटिव कर दो x माइनस थ्री का स्क्वायर और ये से, ओके। इसमें से कॉमन क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ बचा थ्री और x माइनस थ्री और यहाँ प्लस थ्री, थ्री तो कॉमन ही था दोनों में से, तो कॉमन कर लें, तो यहाँ बचा x प्लस एक्स माइनस थ्री और यहाँ बचेगा x प्लस वन बचा, ठीक है। तो ये थ्री x प्लस वन का होल स्क्वायर और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और ये टू एक्स माइनस टू, सिक्स हो जाएगा ये x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और x माइनस वन, ठीक है। एफ डैश एक्स हो गया, अब इसका बेबी कर्व बनाते हैं, ओके। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन, यहाँ से थ्री और यहाँ से प्लस वन। तो सबसे पहले माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर थ्री आएगा, ओके, ठीक है। पहले माइनस वन आएगा, फिर कितना आएगा, माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर थ्री आएगा, ओके। तो देखो प्लस से स्टार्टिंग होती है हमारी, अब थ्री कहाँ है, इस पर ऑड इवन पावर है, इवन के लिए सेम साइन रहता है, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, और वन पर पावर कितनी है, ऑड है, तो प्लस का अपोजिट माइनस, और इस पर पावर कितनी है, टू है, तो माइनस का सेम माइनस, ठीक है। ऑड के लिए अपोजिट साइन और इवन के लिए सेम साइन, ठीक है, ये लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो कर्व यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से, ऐसे करके ये बनेगा तुम्हारा, ओके। अब इसमें फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर जीरो, ठीक है। तो यहां पर x बिलोंग करेगा, इंक्रीजिंग के लिए बताया था ऊपर वाला रीजन, तो वन से लेके थ्री और इसके साथ थ्री से इन्फिनिटी, ये वाला सेटेड रीजन हो जाएगा, ओके।
1 से लेके 3 और 3 से लेके इन्फिनिटी, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस 0, लेस के लिए नीचे वाला रीजन होता है, तो ये है नीचे वाला रीजन तुम्हारा, ये और ये, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 और इसके साथ में -1 से 1, दिस इज आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको बेबी कर्व का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं। अब देखें क्वेश्चन थर्ड को डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर लिखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x ई टू दी पावर एक्स, एक्स भी कॉमन हो जाएगा और एक्स प्लस 2 बच जाएगा यहाँ, ठीक है, ये बनता है इसका डेरिवेटिव। तो इसमें देखो इसका बेबी कर्व बनाते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0 मिला और एक -2 मिला, यहाँ से 9 मिलेगा, तो देखो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0 और ये माइनस का 2, प्लस से स्टार्ट माइनस और ये ऐसे करके ये ऐसे बनेगा। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर 0 होगा, तो x क्या बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 और इसके साथ क्या करेगा 0 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसमें केवल इंक्रीजिंग की ही बात कर रहा था। अच्छा इंटरवल पूछा है, और इंटरवल दोनों इंक्रीजिंग, बस यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और लिखा है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, देखें बहुत ही क्वेश्चन अच्छे हैं, मजेदार हैं, आपने अच्छे से लगा लें। ओके, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्स पे पावर 1/x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन विच, कब इंक्रीजिंग होगा, एक्स ग्रेटर होगा लेस होगा इसे, तो पहले हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव निकालने का तरीका इसमें हमने बताया भी था डायरेक्ट, ठीक है, इसका ट्रिक भी बताया था, लेकिन लॉग ले लो, इसमें लॉग इसको बाई मान लें, y इक्वल टू 1/x log x, अवकलन कर दो 1/y dx इक्वल टू डिवीजन रूल, हर इसको log x/x ही तो लिखेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन इसका स्क्वायर। ओके, इससे ये कट ऑफ हो गया 1 - log x / x2, तो डिवाई dx जो होगा बाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाई 1 - log x / x2। ओके, या बाई का वैल्यू रख दें x पे पावर 1/x 1 - log x / x। तो देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एक 0 मिला हमें, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 - log x = 0, log x बराबर 1, तो यहाँ ई होता है तो एक्स बराबर ई, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ई मिला, तो यहाँ देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 यहाँ कहीं होगा, ई यहाँ कहीं होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे करके ये ग्राफ आएगा तुम्हारा। फॉर डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, फॉर डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स इज लेस जीरो, तो लेस का मतलब ये रीजन, तो एक्स बिलोंग करेगा जीरो से ई तक, जीरो से ई तक, जीरो से ई तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इज पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो मिल नहीं रहा कहीं, एक्स इज लेस ग्रेटर जीरो, या इसको क्या लिख सकते नहीं जीरो और ई, जीरो और ई, माइनस मिलेगा इस पर स्क्वायर है ना, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर क्या है स्क्वायर है, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा ई से इन्फिनिटी, ई से इन्फिनिटी, ऊपर वाला रीजन इंक्रीजिंग कह रहा है, डिक्रीजिंग कह रहा है, क्या कह रहा है इंक्रीजिंग मतलब ऊपर वाला रीजन रहेगा और डिक्रीजिंग का मतलब नीचे वाला रीजन रहेगा, ठीक है, तो यहां पर इंक्रीजिंग कर दो आप, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ये ऊपर वाला रीजन रहेगा ये, ठीक है, तो x बिलोंग कहां से करेगा x डैश इंक्रीजिंग ग्रेटर, तो ये e से इन्फिनिटी रहेगा, e से इन्फिनिटी, तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा और ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये राजस्थान पीजीटी 15 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखो आज हमने इसका बेसिक आपको बताया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवल वाले क्वेश्चन लगवाए हैं, अगले लेक्चर में हम इसके और इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके, वो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तब तक के लिए इसे बात करें अच्छे से, ओके बाय।